हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अपने घर में खुश रहिए, अच्छे से रहिए, भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है। तो आज निशा के ब्लॉग में बन रहा है लौकी का कोफ्ता और बहुत ही टेस्टी बन रहा है। तो आप लोग से पहले ये रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और हमारी सारी नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा। और वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैंने लौकी को छील लिया है, अब मैं कर रही हूँ लौकी को कद्दू। उसके बाद देखिए, बने रहिए ब्लॉग में, आगे आगे रेसिपी देखते जाइए। कद्दू करने के बाद फिर मैं इसको कुकर में चढ़ा रही हूँ। एक सीटी में ही ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, एक सीटी का ही इसको जरूरत है बस। मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है, उसके बाद मैं पूरे किचन में जो सब लौकी को छीली हूँ, सब गंदगी फैली हुई है, उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ का एकदम पोछ वोछ लूँगी, साफ कर दूँगी, फिर मैं ग्रेवी की तैयारी करने आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी के लिए सारी चीज़ें तैयार कर रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली है, ये ग्रेवी के लिए मैं इसका पेस्ट बनाने वाली हूँ। अब जा रही हूँ इसे मिक्सर में डालकर मैं सारी चीज़ों का पेस्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी का सारा सामान तैयार कर रही हूँ। और अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग ग्रेवी न बनाकर कोफ्ते को चाय के साथ भी नाश्ते में ले सकते हैं, बट मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। मुझे चावल के साथ इसको मैं लंच में तैयार कर रही हूँ, लंच बना रही हूँ, तो मैं चावल के साथ हम लोग खाने वाले हैं। और आप लोग अपनी इच्छा के हिसाब से इसको कर सकते हैं, ग्रेवी में भी डाल सकते हैं और नाश्ते में भी आप लोग इसे ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मेरा लौकी बॉयल हो चुका है और मैं सारे मिक्सर उक्सर सबको साइड करूँगी। उसके बाद मैं कोफ्ते बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, बॉयल होने के बाद लौकी कितनी कम हो चुकी है गलकर, बहुत कम हो चुकी, कम तो था भी और कम हो गया है। तो इसको एकदम अच्छे से हाथों से इसका पानी निकाल लेना है, इसके पानी को निकाल एकदम इसको सूखा कर लेना है। अच्छी तरह से पानी रहेगा तो फिर ये तलने में परेशानी आ जाएगी, पानी कढ़ाई में जाएगा तो फिर सही। देखिए तो यहाँ पर पूरा सूखा हो चुका है, मैंने अच्छे से पानी निकाल लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन, फिर मैंने इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा मंगरैल, फिर डालूंगी थोड़ा अजवाइन, फिर डाला हुआ है मैंने हल्दी, मसाला, नमक, अपने हिसाब से डालिएगा, जिसको जितना तेज खाना है कम खाना है, हरी मिर्ची, और बस इसको अच्छे से मैश कर लेना है। फिर मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है। तो मेरी कढ़ाई हो चुकी है गरम और इसमें देखिए मैंने ऐसे इसको गोल गोल बॉल्स बना लेने हैं सारे जो तैयार किए हुए हैं, और कढ़ाई में सारे डाल दीजिए। और धीमी आंच पर इसको थोड़ा कम गैस पर, तेज नहीं, वरना बाहर से ये जल जाएंगे और अंदर से इसमें कच्चापन रह जाएगा। तो जब ये ग्रेवी में जाएंगे तो फिर कच्चापन पता चलने लगेगा, तो इसे कम गैस पर ही आराम से पकाइए। तो बस इसको तलने के बाद या तो आप लोग इसे ऐसे ही नाश्ते में ले लीजिए, तो
तो बस ये निकालूंगी मैं इसको, फिर मैं इसका ग्रेवी तैयार करूंगी, इसी कढ़ाई में बनाऊंगी और इसमें मैं डाल दूंगी इन सबको। तो देखिए आप लोग कितना सुंदर मेरा कोफ्ता बनके तैयार हुआ है। अब मैं ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और तेल गरम होने के बाद मैंने उसमें डाला हुआ है पंचफोरन, फिर उसमें डाला हुआ है मैंने प्याज और मैं कोफ्ते में हरी मिर्च डाल चुकी हूँ, इसीलिए इसमें मैं मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप लोग अपने तीखे के हिसाब से मिर्चा डालिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारे बच्चे तीखे नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं मिर्ची का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। तो हमको खाना होता है तो मैं ऊपर से खाती हूँ, बट कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं कम तीखा बनाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ इसमें सब जो पेस्ट मैंने बनाया हुआ था उसमें मसाले हल्दी सब कुछ डाल के मैं तैयार कर ले रही हूँ और इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी। प्याज जब मेरा भून जाएगा उसके बाद मैं इसको डालूंगी उसमें। तो मेरा प्याज अच्छे से भून चुका है और मैं सारे मसाले इसमें डाल दे रही हूँ और अब इस मसाले को मैं खूब अच्छे से पकाऊंगी। जब तक ये मसाले तेल न छोड़ दे तब तक इसको खूब अच्छे से पकाते रहना है, वरना मसाले कच्चे रह जाएंगे पानी डालने से। तो आप लोग देख सकते हैं कि मसाले तेल छोड़ दिए हैं और मैं इसमें अब पानी डाल दे रही हूँ। आप अपने पतली गाढ़ा के हिसाब से, चावल के हिसाब से कितना पतला, रोटी के हिसाब से कितना, तो रोटी चावल में दो तरह की ग्रेवी बनेगी ना, चावल में थोड़ा पतला रहेगा, रोटी में थोड़ा गाढ़ा रहेगा, तो अपने हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करिए और अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिए। तो हमारी ग्रेवी बनके हो चुकी है तैयार और अब मैं इसमें जो कोफ्ते बनाए हुए हैं वो इसमें मैं डाल दे रही हूँ और डाल के फिर मैं गैस तुरंत बंद कर दूंगी और ढक दूंगी। फिर मैं जब थाली लगाती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। बस हमारे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और हमारा गरम गरम चावल तैयार है, तो आ जाइए आप लोग भी लंच करने। बहुत अच्छा और टेस्टी सा लंच बना है और हमारे टेस्टी टेस्टी लंच का स्वाद का आनंद लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो ये रही हमारी थाली।